बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि शराख ली صدری वयासिर ली अमरी वहलुक ततम मिलिसानी यफकहु कौली अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल एट योर होम्स इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस हुक्स लॉ Hooke's law was first uh, given by the Robert Hooke it is the law of elasticity and is discovered by the British physicist Robert Hooke in 1660 This law states that the displacement or size of the deformation of an object is directly proportional to the applied force इट मीन्स दैट कि जितना ज़्यादा आप फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पर डिफॉर्मेशन या उसके साइज़ में या शेप में चेंज आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई स्प्रिंग ले लो तो स्प्रिंग के ऊपर जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा उसके साइज़ के अंदर चेंज आएगा अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो तो उसका स्प्रिंग उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे आप उतनी ही ज्यादा डिफॉर्मेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होगी सो द डिस्प्लेसमेंट और साइज ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स मींस ग्रेटर विल बी द अप्लाइड फोर्स ग्रेटर विल द साइज ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट एंड स्मॉलर विल बी द अप्लाइड फोर्स स्मॉलर विल बी द डिस्प्लेसमेंट और साइज ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नाउ व्हाट व्हाट इज द डिफॉर्मेशन सो डिफॉर्मेशन रेफर्स टू द चेंज इन ऑबजेक्ट्स शेप आर फॉर्म ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आर फोर्सेस एंड इट इट हैज़ टू टाइप्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ या शेप के अंदर कितना चेंज आता है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी स्प्रिंग को लिया और उसके ऊपर फोर्स लगाई तो उस स्प्रिंग की शेप में चेंज आ जाएगा दैट चेंज विल बी कॉल्ड द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट स्प्रिंग सो नाउ डिफॉर्मेशन हैज़ टू टाइप्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ़ ऑल वट इज़ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ मटीरियल चेंजेस शेप अंडर द एक्शन ऑफ अस्टेन्स टू फोर्स आर अंडर द एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड स्टेज इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द अप्लाइड फोर्स दिस डिफॉर्मेशन इज़ अ परमनेंट एंड इवर्सिबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में कोई मटीरियल के अंदर जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो उसकी शेप चेंज होती है अंडर द एक्शन ऑफ दैट अप्लाइड फोर्स तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ़ दैट अप्लाइड फोर्स जब आपने उस डिफॉर्म फोर्स को उस अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर लिया तो जो डिफॉर्मेशन उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है जो उसकी शेप के अंदर चेंज आया है जो उसके साइज़ के अंदर चेंज आया है आफ्टर द रिमूवल ऑफ योर फोर्स वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप को गन नहीं करेगी फॉर एग्ज़ाम्पल स्प्रिंग को स्प्रिंग की एग्जाम्पल आप ले लें या रब्बर की एग्जाम्पल ले लें तो स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते हो तो एक ख़ास लिमिट है जब तक कि आप उसको स्ट्रेच करें और वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लें उस वक्त तक वो जो डिफॉर्मेशन है उसको हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं लेकिन अगर उसके बाद आप मजीद उस लिमिट के बाद उसको स्ट्रेच करो तो एक लिमिट ऐसी है कि जहाँ उसके बाद स्प्रिंग वापस अपनी पोजिशन औरजिनल शेप में औरजिनल साइज़ या औरिजिनल शेप को गेन नहीं करता दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड अ प्लास्टिक डिफ़ॉमेशन ये चेंजेस परमानेंट और इिवर्सबल होती हैं स्प्रिंग को जब आपने बियड इट्स इलास्टिक लिमिट स्ट्रेच कर लिया और वह परमानेंटली डिफ़ॉर्म्ड हो गया परमानेंटली उसके अंदर चेंजेज़ आ गई तो उसको हम प्लास्टिक डिफार्मेशन कहेंगे यानी कि उसके बाद आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते उसके ओरिजिनल शेप या औरिजिनल साइज़ नहीं दे सकते इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज द रिवर्स ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इट इज़ द चेंज ऑफ द शेप ऑफ द बॉडी चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी एज द रिएक्शन टू द अप्लाइड फोर्स इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाओ और वो आफ्टर द आफ्टर द रिमूवल ऑफ दैट फोर्स वो चेंज वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने उस डिफॉर्मेशन को दोबारा रिकवर कर ले अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए तो उसको हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं ऐसी डिफॉर्मेशन जो है वो टेम्प्ररी होती है यानी कि दोबारा जब आपने फोर्स को रिमूव किया तो वो वो जो डिफॉर्मेशन थी ऑन द अप्लाइड फोर्स ऑन अप्लाइंग द फोर्स वो परमानेंट नहीं थी वो टेम्प्ररी थी दिस डिफॉर्मेशन इज़ ओनली टेम्प्ररी एंड गोज़ बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव जब आप फोर्स को रिमूव कर देते हो तो जो स्प्रिंग या प्लास्टिक या रबर बैंड को आप स्ट्रेच कर लो और रबर बैंड से जब आप अपने फोर्स को Uh, हटा देते हो तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक इलास्टिक डिफॉर्मेशन के मटेरियल्स कैन गेन देयर ओरिजिनल शेप ओरिजिनल साइज़ और ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स नाउ व्हाट इज हुक्स लॉ हुक्स लॉ सेज दैट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसप्लेसमेंट greater will be the force greater will greater will be the displacement produced in the elastic bodies or any body on which you are applying the force we know that for replacing the sign of proportionality we have to introduce the constant here we are introducing the constant called the spring constant denoted by k here k is called the spring constant so f is equals to k multiplied by delta x F is the force in Newtons and delta x is displacement in meters. Explanation of the Hooke's law Consider a spring has some natural length x at which it is either compressed or extended. At that point, the upward force produced by the spring is exactly balancing the gravitational force on the mass and spring. Remember that the spring itself has mass. आपने एक स्प्रिंग को कंसिडर करना है जिसके जिसकी जो ओरिजिनल लेंथ है या नेचुरल लेंथ हमारे पास एक्स है जिस वक्त इसके ऊपर कोई भी फोर्स हमने अप्लाई नहीं की उस वक्त इस स्प्रिंग के अंदर जो अपवर्ड फोर्स है वो इक्वल है टू द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट्स वाई दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं और स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ या ओरिजिनल पोजिशन पे है इफ द स्प्रिंग इज पोल्ड डाउनवर्ड विद द फोर्स एफ विच इज़ नोन एज डिफॉर्मेशन फोर्स एंड द अमाउंट ऑफ डिसप्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स दैन द हुक्स लॉ कैन बी एक्सप्लेज डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल्स टू प्लस के मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स हर द पॉजिटिव साइन इज़ फॉर द डिफॉर्मेशन फोर्स अब स्टूडेंट्स अगर आप इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करें डाउनवर्ड्स तो क्या होगा कि इसकी इस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी आपने जो फोर्स इसके ऊपर लगाई है उसको हम डिफॉर्मेशन फोर्स कहेंगे क्योंकि इस फोर्स की वजह से स्प्रिंग के शेप या साइज़ के अंदर डिफरेंस आ रहा है तो, तो दैट्स वाई दिस फोर्स इज़ कॉल्ड द डिफॉर्मेशन फोर्स और इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है वो उस स्प्रिंग ने कवर किया है तो इस तरह से डिफॉर्मिंग फोर्स हमारे पास इक्वल हो जाएगी के मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स के पॉजिटिव साइन हमारे पास डिफॉर्मेशन फोर्स के लिए है समटाइम्स होक्स लॉ इज फार्मूलेटेड एज एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स के इंटू डेल्टा एक्स अब यहाँ भी नेगेटिव साइन भी आ जाता है तो नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट अगर आप डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हो स्प्रिंग के ऊपर तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपवर्ड होगी क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स उस स्प्रिंग को उसकी ओरिजिनल शेप में लाना चाहती है तो वो हमेशा आपकी जो अप्लाइड फोर्स है उसको अपोज ही करेगी तो आप अगर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हो स्प्रिंग के ऊपर उसको स्ट्रेच कर रहे हो तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी दैट्स वाई हमने साइन नेगेटिव लगाना है इसके साथ अगर आप फोर्स को अपवर्ड लगा रहे हो स्प्रिंग के ऊपर यहाँ इस केस में अगर आप स्प्रिंग को अपवर्ड फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड कवर हो रही है ऊपर वाली साइड पर तो क्या होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स डाउनवर्ड होगी अगेन रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में होगी दैट्स वाई हम लगा रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव साइन अब डिफॉमिंग फोर्स क्या है कि डिफॉर्मिंग फोर्स इज द फोर्स विच डिस्प्लेसेस अ बॉडी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड रिस्टोरिंग फोर्स द फोर्स which रिस्टोर द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी when डिफॉर्मेशन फोर्स आर removed इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को उसकी ओरिजिनल position से डिस्प्लेस कर देती है हटा देती है और रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स होगी जो वापस उसको original शेप original साइज़ या original शेप देने में मदद करती है या उसको ओरिजिनल शेप को रिस्टोर करती है Now consider that the spring of original length. This is the spring of original length. If the spring is pushed to the left, if the spring is pulled to the right, the spring is stretched and exert a restoring force to return to the equilibrium position. And if the spring is pushed to the left, the spring is compressed and exert a restoring force to return the spring to its original position here the spring will be compressed and in other case when the spring is pulled to the right it will be stretched x will be equals to 0 or displacement uh, will be equals to 0 when there will be no force no deforming force applied on the body x is ज़ीरो और नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग द रिस्टोरिंग फोर्स एफ विल बी equals टू जीरो यानी जब आप कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे ना स्प्रिंग के ऊपर तो उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो कोई नहीं कवर कर रहा स्प्रिंग स्प्रिंग की तो जो लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ है दैट्स वाई हमारे पास यहाँ एफ विल भी इक्वल्स टू जीरो फॉर एक्स इक्ल्स टू ज़ीरो नाउ वेन एक्स इज पॉजिटिव दैन इट मीन्स दैट द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टू लेफ्ट or negative and when x is negative it means that the restoring force is directed to right or positive in all the cases the spring wants to return to its original length as a result the spring tries to restore to the equilibrium position for this reason the spring provides a restoring force हर केस में जो स्प्रिंग है चाहे आप उसको लेफ़्ट की तरफ स्ट्रेच करो या आप उसके ऊपर फोर्स लगाओ टू द राइट हर केस में जो स्प्रिंग है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को या ओरिजिनल लेंथ को गेन करना चाहेगा तो इस केस में जो हमारा स्प्रिंग है वो प्रोवाइड करेगा उसको रीस्टोरिंग फोर्स के वो अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको गेन कर ले अगेन स्प्रिंग कॉन्सेंट हमारे पास के फ्रॉम हुक्स लॉ इक्वल होगा एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स के दैट इज अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाई डिसमेंट स्प्रिंग कॉन्सटेंट किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है द स्प्रिंग कॉन्सेंट शोज हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू कंप्रेस आर एक्सटेंड अ स्प्रिंग बाई अ गिवन डिस्टेंस एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटीरियल डिफरेंट स्प्रिंगस इट डिपेंड्स अपॉन वायर थिकनेस spring constant depends upon material type spring constant depends upon spring diameters and it depends upon the total active coils of the spring that's all about hook's law stress and strain in the, next, in the next video we will discuss further about the topic